हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। टीकमगढ़ जिले की देवरदा चौकी के अंतर्गत गांव डारगुआ में एक 8 वर्षीय बालक की सुजारा बांध की नहर में से डूबने का मामला सामने आया है। जब परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि 16 तारीख को हमारे सभी बच्चे वहीं खेत पर खेल रहे थे और बच्चे की मां वहीं काम कर रही थी। खेलते खेलते समय 8 वर्षीय बालक उसी नहर में गिर गया, जिससे ग्रामीण और परिवार वाले इकट्ठे हो गए। फिर बच्चे की खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की खोजबीन शुरू की, जिसका शव 17/1/2020 को वहीं सुजारा बांध की नहर में सुबह 8 बजे पाया गया। कितने साल की थी? 8 साल की। क्या नाम था? उसका नाम है हरीश। कैसे घटना हुई? अब घटना दीदी मैं गांव में गई थी, बच्चा खेलते हते, बच्चा नहर में गिर गया। जहाँ भी गिरा हो दीदी, बच्चा के साथ मैं हती नहीं, मैं यहीं पर छोड़ गई थी। मैं गांव में चली गई थी और जब बच्चा, जब गांव वालन को पता लगा तो गांव वाले धोरे, तो उसके बाद में मुझे पता लगा जी, तो फिर हमारा सब कोई ढूंढने लगा, नहीं मिला। ये घटना हुई है कि जो हमारा भतीजा था ना, तो हमारा पापा भी नहीं था यहाँ पर, एक भाई था तो वो भी निमंत्रण गया था, और जो मेरे मतलब मम्मी थी वो गांव में गई थी, और जो मेरी भाभी थी ना जिसका लड़का है वो कांदी पटा रहे थे, मतलब सरस हुआ, ठीक है ना। और ये बालक खेल रहे थे नहर पर, अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम भी नहीं थे वहाँ पर, तो अचानक पता नहीं क्या हो गया तो गिर गया और बहा गया। कहाँ पर गिर गया थी? सुजारा बांध का जो पुल खुला हुआ है डारगुआ में है, नहर है, उसमें गिरा है। वो उसके बाद छोटे छोटे बच्चे थे वो चिल्लाने, तो उनके जो माँ थी ना वो माँ आई तो वो चिल्लाने लगी, साथ में हमारा पापा भी, मतलब जैसे जैसे लोग आ गए हो, मेरे माँ बाप भी आ गए, मेरी भाभी भी और दूसरी वाली, तो वो भी गई, तो वो भी मरने से बच गई, मेरा पापा भी, और गिर भी गए थे। आपको कैसे पता चला था? छोटे छोटे बालक थे, उनने चिल्लाया है, देवता में सूचना दी, उसकी लाश उस दिन मिली नहीं है, एतवार को उसकी सवेरे 6 बजे लाश मिली। सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी तो अब उनके सामने था, उसको पोस्टमार्टम वगैरह करवा दिया है, कार्रवाई थी, बाकी अब उसको कोशिश करेंगे शासन की तरफ से जो मुआवजा वगैरह होता है जी। उनको दे दिया, उनको बता दिया है भी गए हैं तहसील वगैरह। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।